अगर आपके स्मार्टफोन में भी है ये खतरनाक ऐप तो सावधान हो जाइए, इन ऐप से बचकर ही रहना है। आखिर क्या कारण है कि गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इन 28 ऐप्स को हटा दिया है? अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन कौन से ऐप हैं और वो आपके स्मार्टफोन पे किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं बताऊंगा उन सारे ऐप्स के बारे में जिसको कि गूगल ने हाल ही में अपने प्ले स्टोर से हटाया है। इस बार गूगल ने अपने प्ले स्टोर से जिन ऐप्स को हटाया है वे सारे ऐप एक ही डेवलपर के हैं। जी हाँ, एक ही डेवलपर के बनाए हुए सारे ऐप हैं और उसमें सबसे बड़ी बात है कि गूगल ने उसे हटाया है क्लिक बेट के लिए। अब आप कहेंगे कि क्लिक बेट तो यूट्यूब में होता है, प्ले स्टोर में कैसे क्लिक बेट हो सकता है? तो यहां पे आप जान लीजिए कि कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। वो ऐप उस प्ले स्टोर में लिस्ट की गई थी कुछ और काम के लिए, लेकिन उन ऐप से कुछ और ही काम होता है। मतलब वो ऐप जो बताई गई थी कि हम ये काम करके आपको देंगे, बेसिकली वो ऐप वो काम करती ही नहीं है, इसलिए गूगल ने उन सभी ऐप को अपने प्ले स्टोर से हटाया। गूगल कुछ समय से लगातार प्ले स्टोर से उन सारे ऐप्स को हटा रहा है जो कहीं ना कहीं से फर्जी हैं, या तो वो फेक ऐप हैं, या फिर वो कोई स्पैमिंग है, या फिर कोई वो ऐसे ऐप हैं जो कस्टमर के डेटा को ब्रीच करते हैं। अभी हाल के समय में काफी सारे डेटा से रिलेटेड ऐप्स को गूगल ने हटाया है जो कि हमारे सीक्रेटली हमारे स्मार्टफोन के डेटा को स्टोर कर रहे थे अपने सर्वर में, जो कि बाद में वो कहीं और भी यूटिलाइज कर। तो बात उन 28 ऐप की जिसे गूगल ने अभी अभी हटाया है। ये सारे ऐप जो हैं एक ही डेवलपर के हैं और ये ऐप कहीं ना कहीं से भी आपके बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ऐप हैं, जैसे लोन से रिलेटेड, होम लोन से रिलेटेड है, बाइक लोन से रिलेटेड है, इवन क्रेडिट कार्ड प्रोसेस से रिलेटेड है। तो आजकल के समय में लोग अपनी परेशानी और को कम करने के लिए और जल्द से जल्द सॉल्यूशन देखने के लिए या फिर कुछ ऑफर्स को कंपेयर करने के लिए ऐप्स का सहारा लेते हैं और उसी सब का फायदा ये डेवलपर ने अपने इन सारे ऐप को प्ले स्टोर में लिस्ट करके निकाला है। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद जिस फीचर्स की इन्होंने बात की है, जिस फीचर्स को इन्होंने बताया है कि इस ऐप को डाउनलोड करके आप ऐसा काम कर सकते हैं, आप देखेंगे कि इस ऐप में आपको सिवाय ऐड के कुछ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली कंपनी ने ऐसे लोगों को टारगेट किया है जो कि कम समय में बहुत सारे चीजों को ऐप के माध्यम से कंपेयर करना चाहते हैं या ऐप के माध्यम से प्रोसेस करवाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद जब वो देखते हैं तो सिर्फ उसमें ऐड ही ऐड आता है, जिससे कि डेवलपर को तो फायदा हो रहा है क्योंकि जितने बार डाउनलोड हो रहे हैं उतने एड्स के उसके रेवेन्यू को जनरेट हो रहा है, लेकिन हमारे एंड पे इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए नुकसानदायक ही हो। हालांकि एक नजर में जब इन ऐप्स को हम देखते हैं तो ये देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं, लेकिन इनका काम करने का जो तरीका होता है वो कहीं से भी रियल ऐप से मिलता जुलता नहीं होता है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में भी इस तरह के कोई भी ऐप है जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हो या जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो कि वो ऐप किस तरह से काम करता है, तो वैसे ऐप को अपने स्मार्टफोन से इमीडिएटली डिलीट कर दे। साथ ही साथ एक चीज का आप और भी ख्याल रखें कि हम कोई भी ऐप अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसको उतनी ही परमिशन दें जितनी उस ऐप को रन करने के लिए जरूरी है। जैसे कि सपोज दैट हमने कोई भी कॉलर आईडी से रिलेटेड कोई भी अगर ऐप डाउनलोड किया है तो फिर उस ऐप को हम अपने कैमराज की, अपने स्टोरेज की या अपने अदर जो भी रिसोर्सेज है उसकी परमिशन क्यों दें? कॉलर आईडी को सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट से मतलब है तो हम सिर्फ उसे कॉन्टैक्ट की ही परमिशन देंगे। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग जब भी कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ऐप आपसे सारी परमिशन मांगता है और हम बिना देखे बिना पढ़े उसको अलाउ ऑल करते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है आपके लिए। तो आप कभी भी कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करें तो उसको परमिशन लिमिटेड ही दें जितना उस ऐप को फंक्शन करने के लिए जरूरी हो, बिना मतलब के सारे परमिशन को न दें। और यहाँ पे मैं अब आपको वो उन 28 ऐप्स की लिस्ट दे रहा हूँ जिनको गूगल ने अभी अभी अपने प्ले स्टोर से हटाया है, जो कहीं ना कहीं से एक फेक ऐप है। तो अगर आपके भी मोबाइल में ये ऐप अभी तक इंस्टॉल्ड है तो इमीडिएटली बिना देर किए हुए इस वीडियो को देखते के साथ ही उस ऐप को आप डिलीट कर दें, और साथ ही साथ फ्यूचर में आप कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उस ऐप के रिव्यूज को और उसकी रेटिंग्स को साथ ही साथ अगर संभव हो सके तो उसके बारे में पहले आप रिसर्च कर लें, तभी उस ऐप को इंस्टॉल करें और परमिशन उतनी ही दें जितनी उसकी जरूरत है, ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, जैसे ही कोई और नई इंटरेस्टिंग जानकारी आती है मैं उसको आप तक शेयर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।